सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के 43वीं बटालियन ने एसएसबी का 65वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं आपको बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यालय स्थित एसएसबी परिसर में विभिन्न संस्कृति और खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। एसएसबी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, एसएसबी अपना 56वां स्थापना दिवस मना रही है। पहले हमारा जो रोल था वो हम लोग स्टे बिहाइंड रोल में थे, नेपाल बॉर्डर पे आने के बाद हमारा प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ है और पिछले हम लोग 19 वर्ष से नेपाल और भूटान की सीमाओं के साथ साथ कश्मीर में और साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमने रखा है ताकि हमारे जवान और उनके परिवार अपने गौरवशाली अतीत को याद रखें, साथ ही साथ याद रखने के साथ साथ आज के फंक्शन को अच्छी ढंग से मना करके और एंजॉय करें, साथ साथ इनका मानसिक तनाव उनको दूर किया जा सके। सर, स्थापना के बाद एसएसबी के जवानों का क्या योगदान रहा? स्थापना के बाद में एसएसबी हमारे नेपाल और भूटान की सुरक्षा में लगाई गई है और साथ ही साथ हम इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में बढ़ चढ़ करके बाकी पैरामिलिट्री से आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेपाल पे बॉर्डर पे रहते हुए हमारी अपनी वाहिनी ने 4 करोड़ से ऊपर का सीजर किया है। पिछले साल जहाँ तक हमने मानव तस्करी में 10 लोगों को बचाया था, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए इस बार 26 लोगों को बचाने में कामयाब हुए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले हमने एक पिकअप अभी पकड़ी है जिसमें 20 क्विंटल मटर बरामद हुई है। तो हमारा प्रयास और प्रयास जमीन पर धरातल पे दिखाई भी वैसे ही दे रहा है जैसे हमारे जवान जोश खरोश से बॉर्डर पे लगे हुए हैं। सर, कुछ कार्यक्रम आपके द्वारा है आयोजित कराए गए, उसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट करा, तो आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको क्या पुरस्कार दिया जाएगा? उनको जैसे महिलाओं के लिए गृह उपयोगी सामान को हमने पुरस्कारों में रखा है और साथ ही जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके पसंद वाली चीज़ें जैसे चॉकलेट और टॉफी उनके लिए हमने प्रबंध किया हुआ है।